हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी बीच एसएससी जीडी एप्लीकेशन स्टेटस 2024 एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पर हम एक्सेप्टेड हुआ रिजेक्ट या चेक करें। तो एसएससी जीडी की आपने जीडी के लिए आप जब आप आवेदन करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन स्टेप मिलता है जिसे यह बताया जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल एप्लीकेशन स्टेट में देखें लाखों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए, पर रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ वो देखना है। तो परीक्षा की तारीख 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी और 1 मार्च और 12 मार्च तक है। एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले जारी होंगे और इससे पहले आपको एप्लीकेशन स्टेप मिलेगा जिससे आप जान सकें कि आपका फॉर्म कैसे प्राप्त हुआ। जब आप एप्लीकेशन स्टेप चेक करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी मिलती है या जानकारी में बताया जाता है कि आपकी परीक्षा कहाँ और किस बारी में होगी। साथ ही इनकी आयोजित तिथि और समय भी दी जाती है ताकि आप फ्री एडमिट कार्ड को ध्यान में रखकर तैयारी कर सकें। तो एसएससी जीडी की परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित हो चुकी है और परीक्षा 20 फरवरी से 29 फरवरी और 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक होगी। इसके अलावा एप्लीकेशन स्टेप से जुड़ी जानकारी भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। एसएससी जीडी को एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार समान वर्ग में देखिए आपका कितना है, 6,45,177 लोग, अनुसूचित जाति में देखिए आपका कितना है, 11,424 लोग, अनुसूचित जाति में इतना है टोटल आपका दिया हुआ है। तो इतना आवेदन किए गए हैं और टोटल पोस्ट की फॉर्म की बात करें तो कितना फॉर्म मेरा 47,45,501 आवेदन हुए, कितना 47,45,501 आवेदन किए गए हैं। एसएससी जीडी के आवेदन की स्थिति जिले के हिसाब से देखने का एक सीधा तरीका है, आप यह जानने के नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से जानकारी देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपका आवेदन स्वीकृत हुआ या नहीं हुआ, अन्य परीक्षा संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी एप्लीकेशन स्टेप चेक करने के लिए प्रक्रिया, आपको अपने एसएससी जीडी का एप्लीकेशन स्टेप चेक करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। यहां अपना एप्लीकेशन नंबर जन्मतिथि दर्ज करेंगे और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपको फिर आपका परीक्षा का शहर, परीक्षा तारीख, अपने फॉर्म स्थापित कर दें। एसएससी जीडी एप्लीकेशन चेक, तो अब तक सिर्फ एप्लीकेशन स्थिति का लिंक जारी हुआ है, यह अभी सक्रिय नहीं है, जिसका मतलब है कि इसका सक्रियता में थोड़ा समय लगेगा। एसएससी जीडी के लिए एप्लीकेशन स्थिति का लिंक आमतौर पर 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के आसपास जारी होगा। एसएससी जीडी की एप्लीकेशन स्थिति को जब जारी किया जाएगा तुरंत सूचना प्राप्त करने के लिए आप इसे कर सकते हैं। तो हाउ टू चेक एसएससी जीडी एप्लीकेशन, तो अगर आप एसएससी जीडी आवेदन स्थिति चेक करना चाहते हैं तो नीचे एसएससी जीडी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, नीचे दिए गए लिंक देंगे होम पेज और लॉगिन सेक्शन जारी किया जाएगा। यूजर आईडी आप डालिए और लॉगिन के बाद डैशबोर्ड अपना ओपन होगा। जब एसएससी जीडी नीचे आवेदन स्थिति का विकल्प होगा, इन एप्लीकेशन क्लिक करके आवेदन एप्लीकेशन विवरण देख सकते हैं। तो मैंने एसएससी जीडी संबंधित इस सारे कुछ जानकारी बताई जो कि आपके लिए बहुत सही होने वाले हैं। आपके फॉर्म सबमिट हुए हैं कि नहीं हुए, वो रिजेक्ट हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी संबंधित कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको साझा किया, उम्मीद करें आप सभी लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।